बालोद जिला में बिजली अधिकारियों की लापरवाही से उपभोक्ताओं में आक्रोश बढ़ रहा है, जो कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भविष्य में कोई बड़ा उग्र आंदोलन हो जाए। ग्रामीण तोमन साहू ने बताया कि बिजली गुल हो जाए तो फिर वापस आने की कोई गारंटी नहीं है, और मेंटेनेंस के नाम पर लाखों खर्च करने के बावजूद विभाग बिजली मुहैया कराने में नाकाम हो रहा है। प्रदेश में सरप्लस बिजली होने के बावजूद बमुश्किल से जो बिजली सप्लाई मिलती है उसमें भी वोल्टेज अड़ंगा डाल रहा है। पूरे बालोद जिला के अंतर्गत चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो या फिर वनांचल हो, आए दिन पावर कट की समस्या पूरे जिले के अंदर है। बिजली विभाग पूरी गर्मी में कुंभकर्ण की नींद सोती रही, और जब बारिश का मौसम आया तो ये पेट्रोलिंग के नाम पे ब्रेकडाउन पावर कट लगातार करते रहे हैं। और बारिश में आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत बिजली की होती है, क्योंकि बारिश में कीड़े मकोड़े भी उसका घरों पे निकलना प्रारंभ हो जाता है। जो छत्तीसगढ़ है वो नॉन पावर कट है, यहाँ 24 घंटे सरप्लस बिजली का वादा करती है कि सबसे ज़्यादा अगर बिजली कटौती अभी कुछ दिनों के अंदर देखा जा रहा है तो बालोद जिले के अंदर। देखिए, अभी बारिश के समय लाइटनिंग आंधी तूफान से फोर लाइन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं पोल गिर गया, कहीं पेड़ की डंगाल टूट के गिर जाता है लाइन में, तो उसको हटाने के बाद उसको चालू करते हैं, और पोल को चेंज करने के बाद ही उसके आगे सप्लाई चालू किया जाता है, ताकि उसको पेट्रोलिंग करके और डिस्टर्ब जो लाइन है उसको अलग करके, जो डैमेज लाइन उसको अलग किया जाता है। गर्मी के समय देखिए, गर्मी के समय ज़्यादा गर्मी रहता है उसमें हम लोग सोचते हैं कि उसमें ज़्यादा बंद नहीं किया जाए, उसमें मेंटेनेंस करते हैं लेकिन कम समय के लिए करते हैं उस समय। और बरसात में जैसे बारिश होता है तो ठंड लग जाता है, ठंड में क्या है 2-3 घंटे बंद रहता है तो उसमें आदमी सहन कर लेते हैं, गर्मी समय में सहन करने में बड़ा दिक्कत होता है, तो उसमें कम समय के लिए, कम ड्यूरेशन के लिए बंद करके मेंटेनेंस काम करते हैं।